नमस्कार। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको भी शर्म आएगी, दिल्ली वालों को भी शर्म आएगी, पूरे देश के लोगों को शर्म आएगी, लेकिन एक व्यक्ति को शर्म नहीं आएगी जिसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने ही उस व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बनाया है। मैं आज आपके सामने जो वीडियो दिखाऊंगा दिल्ली के एलजी का, वो शर्मनाक वीडियो देखकर आप खुद अपने दिल और दिमाग से सोचिएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड गिरोह को लीड करे, ऐसा व्यक्ति जो हिंसक समूह का सरगना हो, ऐसा व्यक्ति जो साबरमती के आश्रम में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम में शांति सभा पर हमले करवाए, ऐसा व्यक्ति जो मदर टेरेसा आरोप से मदर टेरेसा के नाम पर मिले सम्मान और ह्यूमन राइट्स के नाम पर मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली देश की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पे हिंसक हमले करवाए, क्या ऐसा व्यक्ति दिल्ली का एलजी होना चाहिए? यह आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछिएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, आपने हिंसक समूह के सरगना को दिल्ली का एलजी कैसे बनाया? आरोपी नंबर 4 साबरमती के आश्रम में हिंसा के आरोपी नंबर 4 मेधा पाटकर पर हमला करने वाले गिरोह में आरोपी नंबर 4 दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का ये वीडियो आप देखिए। और ये सवाल बीजेपी के लोगों से है, देश के प्रधानमंत्री से है और खुद विनय कुमार सक्सेना से है कि आपने इस घटना को अंजाम क्यों दिया और क्या आपको न्यायालय के सामने जाकर पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहिए? आप कोर्ट से भाग रहे हैं? कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इस मामले में एलजी को सजा हो जाएगी। कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि एलजी को मालूम है कि अगर न्यायालय के सामने गए और यह मामला चला तो उनको निश्चित रूप से सजा होनी है। साक्ष्य पूरा मौजूद है, वीडियो एविडेंस के साथ मौजूद है और वो आपके सामने है। इसको जरा देखिए आप। ये देखा आपने, मेधा पाटकर जी थी जिनको पहले मारा गया, और बड़ी मुश्किल से उनको बचा के कमरे के अंदर ले जाया गया। अब इस हिंसक समूह को जिसने मेधा पाटकर के ऊपर हमला किया उसको लीड ये कर रहा है। रोक दीजिए। ये है वो शख्स। ये कौन है? ये दिल्ली का एलजी है। ये कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। इसका चेहरा पहचानिए। ये वही व्यक्ति है जो साबरमती के आश्रम में हिंसक समूह को लीड कर रहा है। ये वही व्यक्ति है जो मेधा पाटकर के ऊपर साबरमती के आश्रम में हुए हिंसक हमले का जिम्मेदार है। ये वही व्यक्ति है जिसका नाम एफआईआर में आरोपी नंबर 4 के रूप में लिखा हुआ है। ये वही व्यक्ति है जो कह रहा है ऐसी हिंसक हमला करने के बावजूद उसको एलजी होने के नाते न्यायालय की प्रक्रिया से दूर रखा जाए, इसका ट्रायल ना चला जाए, इसको कोर्ट में ना बुलाया जाए।
ये वही व्यक्ति है। इसलिए आप लोगों को ये साक्ष्य, ये प्रमाण, ये वीडियो एविडेंस आज सारे मीडिया के लोगों को हम लोग दे देंगे। और क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी रहना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से सजा नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के सम्मन के बावजूद कोर्ट में पेश होने से, हाजिर होने से मुक्ति मिलनी चाहिए? ये सारे प्रश्न हम लोगों के हैं। इसको थोड़ा और चला दीजिए। बस बंद कर दीजिए। तो इस केस के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको रीना जी, जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, वो बताएंगी। और मुझे सिर्फ यही कहना था कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शर्मनाक काम किया है, जो बापू के आश्रम में हिंसक हमले को, हिंसक समूह को लीड करता है, उस व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बनाया है। आज जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी, देश के करोड़ों लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जरूर सोच रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरीके से काम करते हैं। महिला के ऊपर हमला करने वाले, एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला करने वाले, हिंसक समूह के सरगना को एलजी जैसे पद पर बिठालते हैं, एलजी जैसे पद पर उनको सुशोभित करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है, इस वीडियो के आने के बाद तो कम से कम इस व्यक्ति को न्यायालय की प्रक्रिया में शामिल करवाइए, कोर्ट के समन का पालन करने के लिए बोलिए और ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द एलजी को सजा होनी चाहिए। ये हम लोगों की डिमांड है। रीना जी अपनी बात कहें। मैं आपको आज एक कहानी सुना रही हूं। ये कहानी आज से 20 साल पहले अहमदाबाद में शुरू हुई। अहमदाबाद में एक गुंडा हुआ करता था, जिसका काम था कि जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, जो कोई सवाल पूछे, उन लोगों को डराना, धमकाना, महिलाओं को डराना, धमकाना, इस तरह की छोटी मोटी गुंडागर्दी ये गुंडा करता था। और कई सालों तक ये गुंडागर्दी चलती रही। और जैसा कि आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी में जो जितनी ज़्यादा गुंडाई करता है, उसका कैरियर ग्राफ उतना ही ऊपर बढ़ता जाता है। वैसा ही इस शख्स के साथ हुआ। 20 साल तक गुंडागर्दी चलती गई। उसके बाद इस शख्स को, आरोपी नंबर 4 को, महामहिम बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली क्यों भेजा गया? कि दिल्ली जाके दिल्ली की गुंडागर्दी को कम किया जाए। आप सोचिए, ऐसा शख्स जिस पे ऐसी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, 147 दंगे की धारा, 321 चोट पहुंचाने की धारा, 506 धमकी देने की धारा, ऐसी धाराएं जिस पे लगी हुई हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को उससे बेहतर गुंडा कोई नहीं मिला। अब आप बताइए, जो इंसान ना धाराओं की कोई, जिसको कोई कोर्ट की कोई रेस्पेक्ट है, वो इंसान जिसके ऊपर खुद महिलाओं को प्रताड़ित करने की धाराएं और ऐसे संगीन अपराध के इल्जाम लगे हुए हैं, वो इंसान को दिल्ली भेज दिया गया कि जाओ दिल्ली, और दिल्ली में महिलाओं की रक्षा का जिम्मेदारी आपके हाथ में है, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। यही कारण है, आप देखिए कि जब से एलजी महोदय दिल्ली आए हैं, दिल्ली में क्राइम का रेट लगातार बढ़ता गया है। और एलजी महोदय कहते हैं कि वो दिल्ली में पुलिस के काम से, क्राइम कंट्रोल के काम से बहुत खुश हैं। पता नहीं एलजी महोदय कौन सी दुनिया में रहते हैं। ना वो संविधान का पालन करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की उनको कोई रेस्पेक्ट है। और उन्होंने जो अपना एफिडेविट दायर किया इस केस में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका ओहदा जो है देश में गवर्नर से ऊपर और देश के प्रेसिडेंट से नीचे है।
वो कह रहे हैं क्योंकि मेरा ओहदा इतना ऊपर है इसलिए मुझे कोर्ट से इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। वो डर रहे हैं कि अगर वो गए कोर्ट में हाजिर हो गए तो उनको सजा होगी। मैं आज प्रधानमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दिल्ली वासियों की तरफ से, दिल्ली की महिलाओं की तरफ से, कि ऐसा इंसान जिसके ऊपर इतनी सारी